बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4B ऑन पेज नंबर 59। हमने लास्ट वीडियो में 1 और 2 सॉल्व किए हैं और आज के काम में हम क्वेश्चन नंबर 3 के हाफ पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट हाफ पार्ट्स नेक्स्ट जो है वो डे की वर्किंग में इंक्लूड होंगे। सो डिराइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ 3969। हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्लास, और यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है। यहाँ पे उसने बाय फैक्टर्स नहीं बोला हुआ। अब हम आपको दूसरा मेथड जो है वो सिखाएंगे, विच इज़ अबाउट डिवीजन मेथड। ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट। जी क्लास, हमारे पास क्वेश्चन है 3969 और हमने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। प्रीवियस मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन का, नाउ वी गोना सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड और डिवीजन मेथड। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि जब आपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिख लिया, आपने लॉन्ग डिवीजन में जैसे हम लोग एक लाइंस लगाते थे डिवीजन की, वैसे हम लगाएंगे और उस नंबर को लिखेंगे, राइट। अब हमने जब नंबर लिख लिया, फर्स्ट स्टेप होता है फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर, राइट साइड ऑफ द नंबर, स्टार्ट मेकिंग पेयर्स। एक पेयर ये बन गया 69 का, नेक्स्ट वी हैव 39, मेक द पेयर। और अगर पेयर नहीं बन रहा तो आप नंबर को सिंगल भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे दो पेयर्स बन गए। अब आपने यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके क्लोज आंसर आए, या तो ये सेम आंसर आ जाए या इससे क्लोज आंसर आए। 6 6 से 36 होता है, 7 7 से 49 जो इससे बड़ा हो जाएगा। सो वट वी विल डू, 6 इसके बिल्कुल ऊपर, 6 the 36। ओके क्लास, वील ड्रॉ द लाइन। नाउ वट वी विल डू, विल सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 39, माइनस करेंगे इसको। 39 में से 36 माइनस करें तो वट वी हैव 3। नाउ वी विल ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पीरियड, इसको नेक्स्ट पीरियड भी कहते हैं या नेक्स्ट जो है वो पेयर भी कहते हैं। जब हमने इसको नीचे जो है ब्रिंग डाउन कर लिया, वट वी हैव टू डू, फर्स्ट हमने क्या किया बच्चों, पेयरिंग की। पेयरिंग करने के बाद हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको इसी से मल्टीप्लाई करके इसके क्लोज आंसर आए, फर्स्ट जो पीरियड है हमारा या फर्स्ट पेयर है उसके क्लोज आंसर आए। हमने उसको लिख लिया 6 6 से 36, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। माइनस करने के बाद यहाँ से 3 ये रिमाइंडर है हमारा, और वेरी नेक्स्ट टू आर रिमाइंडर वी विल ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर और नेक्स्ट पीरियड। नाउ एड दीज टू नंबर्स, 6 प्लस 6, और इसको अपनी डिवीजन के थोड़ा सा साइड पे करके लिखें क्योंकि हमने इसके आगे एक नंबर लिखना है। 6 प्लस 6 गिव्स अस 12। दिस इज़ द थर्ड स्टेप। पहले मैं पेयरिंग की, फिर हमने मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर लिया और नेक्स्ट पीरियड को नीचे लेकर आए। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों को, जो हमने जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया दोनों को प्लस करें। दोनों को क्या करना है, ऐड। जब हमने ऐड कर लिया 12 आ गया। अब 12 के आगे स्टूडेंट्स आपने कोई ऐसा नंबर लिखना है, वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर 12 है ना, तो 12 के सामने यहाँ पर 2 और 2, जिस नंबर को उसके आगे प्लेस कर रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, राइट क्लास। 2 2 ज़ 4 2 2 ज़ 4 2 1 ज़ 2 244, विच इज़ लेस देन 369। ये वाला नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक। अब आप 12 को अगेन लिखें, इसके आगे एक नंबर जो आगे प्लेस करेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक हो गया क्लास। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट नंबर 3 3 3 3 3 ज़ 9 3 2 ज़ 6 3 1 ज़ 3 369। एग्जैक्ट वही नंबर आया जो हमें चाहिए था, जो हमारे रिक्वायर्ड है। सो 12 के आगे जो कि प्लस करने से आया था 12, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 12 लिखा और उसके आगे आपने फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना है नंबर्स को उनके आगे लिखकर, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप चेक करो कि सेम आंसर आ जाए या इसके क्लोज आंसर आ जाए। सो 369 हमारे पास आ तो गया, लेकिन किसको, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आया। यहाँ भी 3 लिखें, यहाँ भी 3। दिस इज़ आर क्वोशेंट, दिस इज़ आर डिवाइजर। सो ये तो कंप्लीट एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ 3969 63। आप सबसे पहले यहाँ पे ऐसे रेडिकल का साइन डालेंगे, 3969 का आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स, 63, दैट इज़ योर आंसर। मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको स्टेप्स, कि आपने सबसे पहले राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करनी है। जब आपने पेयर्स बना लिए, फिर आपने फर्स्ट जो है वो नंबर ट्राई करना है, कोई भी ऐसा नंबर ट्राई करना है जो फर्स्ट पेयर के क्लोज आंसर दे, या तो एग्जैक्ट आ जाए या क्लोज आंसर। सो हमने वही किया, 6 6 से 36, फिर रिमाइंडर अगर कोई बच रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू,
यहाँ पे 3 रिमाइंडर था, हमने नेक्स्ट पीरियड को नीचे जो है वो ब्रिंग डाउन किया. सो व्हाट वी हैव 369. अब नंबर को ऐड करना है, जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था उनको अब प्लस करके साइड पे लिख दें अपने डिवाइजर की प्लेस पे. 6 + 6 गिव्स अस 12. अब इस 12 के सामने हमने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करवाना है, तो हमारे पास इसके क्लोज, ये जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है हमारे पास, इसके क्लोज आंसर आए. सो व्हाट वी हैव 123 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स अस 369. दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट स्क्वायर रूट्स ऑफ द गिवन नंबर बाई यूजिंग डिवीजन मेथड. नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 2, 11025. आप सबसे पहले सोल्यूशन लिखें, हमें इसका स्क्वायर रूट डालकर, हमें इसका भी आंसर नहीं मालूम, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएं, फिर आप लॉन्ग डिवीजन का साइन प्लेस करेंगे, देन नंबर को प्लेस किया. अब आपने राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट की, जब आपने राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट की 25 का एक पेयर बन गया, 10 का एक, वन सिंगल बच गया हमारे पास, नो इशू. अब ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके वन के क्लोज आंसर आए. दिस इज़ आर फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड है, यहाँ इनको पेयर्स भी कहते हैं. सो वन वन ज वन, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया. नेक्स्ट पीरियड को नीचे ले आए, 10 नीचे आ गया, राइट. 25 को अभी आपने नीचे नहीं लेकर आना, अभी हमारे पास क्या आया नीचे, 10. अब 1 को 1 में प्लस करें तो 2 आता है, राइट क्लास. यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 10 था. अब 2 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है. 2 के आगे अगर हम 0 प्लेस करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 0 बना देगा आंसर को. इट मीन्स हमें ये नहीं चाहिए. 2 के साथ अगर 1 अप्लाई करें तो ये देता है 1 को, यहाँ पे भी तो 1 लेकर आना, तो 21. 10 जो है वो छोटा है और यहाँ पे 21 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं लगाएंगे, हम नेक्स्ट पीरियड, क्योंकि ये छोटा हो रहा है और जो हमारे पास आंसर आ रहा है 21 वो बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट पीरियड को नीचे लेकर आएंगे 25 को. लेकिन इसको नीचे लाने के लिए हमें यहाँ और यहाँ जो हमने इन दोनों को प्लस किया था, 2 आया था, उसके आगे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि हम नेक्स्ट पीरियड को नीचे लेकर आ रहे हैं. 0 और यहाँ भी जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ भी 0 ऐड करना पड़ेगा. सो 2 0 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 and 0, राइट. अब ये पूरा एक नंबर बन गया. रीज़न आपको पता चल गई है कि हमने क्या किया था, जब 1 से 1 को माइनस किया तो 10 नीचे आ गया, ये पेयर सिर्फ नीचे आया था, अभी 25 नीचे नहीं आया था. तो हमने 2 के साथ नंबर प्लेस किया तो वो बन रहा था 2 0, और 0 से मल्टीप्लाई किया तो उसने 0 बना दिया, ये तो नहीं हो सकता था. फिर हमने 2 के साथ 1 को प्लेस किया और 1 से मल्टीप्लाई किया, 21 जो है वो 10 से बड़ा हो रहा था, ये नंबर छोटा था, इसलिए हमने 25 को नीचे लेकर आना था. 25 को नीचे लाने के लिए हमें यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ा और आंसर में भी 0. अब ये बन गया, आपके सामने ये लिखा हुआ है, 20 बन गया. अब 20 के आगे, अब ये पूरा नंबर आ गया आपके पास, 20 के आगे ऐसा कोई नंबर लिखें जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1025 आ जाए. हमने स्टार्ट किया 20 के आगे, 2 को लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 404 आता है. 20 के आगे 3 लिखा और 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो 609. 20 के साथ 4 लिखा और 4 से मल्टीप्लाई किया, 816. 20 के साथ 5 को जब किया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 205 × 5 गिव्स अस 1025. सो व्हाट वी विल डू, 20 के आगे यहाँ भी 5 लिखेंगे क्लास और यहाँ भी 5 लिखेंगे, तो 205 × 5 गिव्स अस 1025. ये कंप्लीट डिवाइड हो गया. सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज 105. नाउ वी विल सॉल्व पार्ट नंबर 3, 46,225. इसका हमें सोल्यूशन लिखेंगे, हमें इसका अभी स्क्वायर रूट आइडिया नहीं है क्या है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे उसके आगे, फिर हम लॉन्ग डिवीजन का साइन लगाएंगे, उसमें हम अपने नंबर को प्लेस करेंगे और पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप. हमने जब पेयरिंग की, 25 का एक पेयर, 62 का एक पेयर बन गया, 4 जो है वो बिल्कुल सिंगल रह गया. सो व्हाट डू वी डू, अब 4 के मुताबिक हमें ऐसा कोई नंबर लेना है जिसको बने, सो 2 to the 4, तो हमें यहाँ पे 4 आ गया. 4 में से 4 माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा, 62 जो हमारा नेक्स्ट पीरियड है वो नीचे आ जाएगा. अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास इन दोनों को प्लस करके आएगा वो है 4. 2 + 2 = 4, ये 1 अभी नहीं लिखा गया, 4 आ गया और यहाँ 62 है. 4 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लिखा जाए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर इसके क्लोज रहे 62 के. 41 को 1 से किया तो 41, 40 को 4 को 2 से लिखा 42 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84. 84 से 62 से बड़ा हो रहा है क्लास, इसलिए ये नंबर हम नहीं लेंगे. व्हाट वी विल चूज़, 41 × 1. सो 41 को यहाँ पे भी 1 लिखें, 4 के आगे भी 1 लिखें, ये 1 और ये 1, सो 41 won the 41. हम दोनों को माइनस करेंगे तो व्हाट वी हैव, 62 में से 41 माइनस किया, 21 रह गया. ऑटोमेटिकली अभी इसको इग्नोर कर दें,
जब इन दोनों को माइनस किए नेक्स्ट पीरियड ने नीचे आना ही होता है, ठीक है। अब ये माइनस होने की वजह से नेक्स्ट पीरियड जब नीचे आ गया, अब हम देखते हैं यहाँ क्या करना है। ये जो कॉर्नर में है इसको भी इग्नोर कर दें, ये जो वन लिखा हुआ है जैसे हमने इसका डबल किया था ना टू का, इसी तरह जो राइट साइड पर नंबर है इसका डबल करें, वन वन टू, उसको थोड़ा सा इधर करके लिखें क्योंकि हमने आगे एक नंबर प्लेस करना है। सो वन वन टू और प्रीवियस नंबर वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। क्लास बी केयरफुल इन दिस स्टेप, आपने सिर्फ इसका, ये जो नंबर हमारे पास यहाँ पे सेकंड स्टेप में है, यहाँ पर हमने जो राइट साइड पे नंबर है उसका डबल करना है, ठीक है। उसको डबल किया तो वन प्लस वन टू हो गया और ये नंबर वैसे ही आ जाएगा, 42 हो गया। अब 42 के आगे ऐसा कोई नंबर प्लेस करें, वो जो कि हम यहाँ पे किए हुए हैं, 42 के आगे कोई ऐसा नंबर प्लेस करें कि हमारे पास क्या आंसर आ जाए, 2125। क्लास ऑब्वियस सी बात है कि 5 के टेबल पे ही 5 जाता है, तो सिमिलर तो फिर 5 को ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम 42 के आगे 5 को लिखकर चेक करते हैं। 5 × 5 किया तो 25 आ गया, 2 कैरी, 5 × 10 और 2 प्लस होने से 12 हो गया, 2 इधर लिखेंगे और 1 कैरी, 5 × 4 = 20, 20 + 1 = 21। सो व्हाट वी हैव, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2125। दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ आवर आंसर। सो व्हाट वी हैव, स्क्वायर रूट ऑफ 46,225 इज इक्वल टू 215। और आपने अभी एक MCQs में, सॉरी, हमने जो भी जो है ब्लैंक्स की थी और जो ट्रू फॉल्स किए थे उसमें एक आया था कि अगर आपके पास किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसका एंडिंग 5 पे हो तो उसका जो आंसर है उसका एंडिंग भी किस में होती है, यूनिट प्लेस पे 5 आता है, यू कैन सी ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व पार्ट नंबर 4 and 5, विच इज 17,956 एंड 78,961। आप इसी मैथड को फॉलो करते हुए पेयरिंग कीजिएगा, फिर इन नंबर्स को प्लस करके इनके सामने कोई ऐसा नंबर प्लेस करें कि इसको मल्टीप्लाई करके इसके क्लोज आंसर आए। फिर हमने इस नंबर को प्लस किया, ये 6 आ गया, 3 + 3 = 6 और 2 एज इट इज़ आ गया। फिर इसके सामने एक नंबर प्लेस करें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली आंसर आए। सो दीज आर द स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो वाइल फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट बाई यूजिंग डिवीजन मैथड। आप अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 और 5 को सॉल्व करके यहाँ से चेक कर सकते हैं, टैली कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, आगे बढ़ते जाएं, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।